क्रियाओं में बोध कराता हूँ, गंगा पुत्र भीष्म की गाथा तुम्हें सुनाता हूँ कि महाभारत की ये कथा अपूर्ण बिन उल्लेख उन रणधीर का, अपूर्ण सूची सूरों की न नाम अगर उन वीर का। महाभारत में कई शूरवीर हुए, कई महावीर हुए, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म के जैसा ना कोई महावीर हुआ। क्योंकि महाभारत में जब जिक्र होता है वीरों का तो प्रथम नाम भीष्म पितामह का ही आता है। तो शुरुआत करते हैं कविता की। सूर्य के तीखे ताप के मध्य वो वृक्ष की शीतल छाया थे, था वत्सल्य अति पांडवों के प्रति वो प्रेम की प्रति छाया थे, और था शौर्य ऐसा उन वीरवान का कि था शौर्य ऐसा उन वीरवान का शत्रु भय से थर्रा जाते थे, धनुष की केवल टनकार सुन रण छोड़ चले जाते थे। त्याग बलिदान की वे प्रति मूरत थे और देश प्रेम असीम था, गंगा माँ के पुत्र वीर थे नाम उनका भीष्म था। कि गंगा माँ के पुत्र वीर थे नाम उनका भीष्म था। आगे की लाइन इस बात पर है कि क्यों उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य के शपथ ली कि प्रसन्न पिता को करने हेतु किया सुखों का बलिदान था, मिला पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान था, और रथ चक्र उठा लिया हाथ में, रथ की धुरा छोड़ दी थी। अरे गंगा पुत्र भीष्म का पराक्रम देख स्वयं नारायण ने भी अपना वचन तोड़ दिया था, क्योंकि भीष्म पितामह का वध करना पार्थ के लिए असंभव सा हो रहा था। तो इसी बात पर है, रथ चक्र उठा लिया हाथ में, रथ की धुरा छोड़ दी थी, पराक्रम देख गंगा पुत्र का स्वयं गोविंद ने प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। अरे त्याग दिया जब शस्त्र सारे कि त्याग दिए जब शस्त्र तभी वध संभव हो पाया, पार्थ ने तब पितामह को शरसैया पर था सुलाया, और धर्म विपक्ष जो युद्ध लड़ा वो चाह नहीं लाचारी थी, हस्तिनापुर के रक्षण की प्रतिज्ञा उनकी भारी थी, और अब मैं इस कविता को अंतिम शब्द देता हूं कि निष्काम जिया जीवन सारा, प्रण लिया था ब्रह्मचर्य का, प्रण समर्पण देख गंगा पुत्र का हुआ सभी को आश्चर्य था। कि प्रण समर्पण देख गंगा पुत्र का हुआ सभी को आश्चर्य था, सुख वैभव से उच्च सदैव धर्म को बतलाते थे, कि सुख वैभव से उच्च सदैव धर्म को बतलाते थे, इन्हीं गुणों से गंगा पुत्र आदरणीय माने जाते थे, कि इन्हीं गुणों से गंगा पुत्र आदरणीय माने जाते थे। जय श्री कृष्ण।